माय गॉड गाइस, मैं अभी ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ जिम से, और हमारे नाम का एक पत्र आया है, एक लेटर आया है। आशा देखते हैं। या बच्चे, मैं हूँ एडगर, रोक राइडर का लीडर। अभी टाइम आ चुका है कि हम वो चीज़ सेटल करें। मुझसे आके मिलो मेरे चैम्बर पे बैडलैंड्स में। मैं तुमको प्रॉमिस तो नहीं करूँगा कि मेरी गैंग वहाँ पे खड़ी रहेगी। सो यू डिड बेटर ब्रिंग ए टीम। चलो इस मुसीबत को ख़त्म करते हैं। ओह, डोंट एवर थिंक अबाउट टेलिंग दैट मेयर। मेयर को नहीं बताना है हमको। शुड यू कॉल समवन? आई डोंट नो, क्योंकि 1-on-1 है तो हम लोग फरिया लेंगे। बेटर बी गेट रेडी। चलो भाई, तो हमको जानना पड़ेगा उसको हराने के लिए। मेरे को थोड़ा पोशंस वगैरह रख लेने चाहिए आई गेस। उसके पास ज़्यादा लेवल के पोकमेंट्स तो नहीं होने चाहिए। आज हम देख ही लेते हैं। आर या पर की लड़ाई होगी, बट मेरे को अपनी डरियो को इवॉल्व करना है, जो कि एक डस्क स्कोन से लाइक इवॉल्व होगा। मे बी हमारा जो नया मॉल खुला था, अगर हमको वहाँ पे वो चीज़ मिल जाए तब तो बल्ले ही बल्ले हैं। मेरे को वैसे कुछ चीज़ें और भी ख़रीदने हैं लाइक पोशंस वगैरह, तो आ जाओ एक बार देख ही लेते हैं। यहाँ पे पता नहीं पोशंस दे भी रहे थे कि नहीं, बट मेरे को मूव्स तो लेने ही हैं थोड़े मोरे ना, तो वो भी देख लेंगे हम लोग। लेफ्ट ओवर वगैरह मैं आइटम्स वगैरह सब दे देता हूँ यार। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लाइफ ऑफ वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, होपफुली नहीं पड़नी चाहिए। आई थिंक सो भाई, उतना ज़्यादा लेवल तो नहीं होना चाहिए यार। 40 लेवल की टीम से हम उसको हरा देंगे, चिंता मत करो। यू टर्न, वेदर वॉल, फायर पंच, भाई 50,000 के मूव है यहाँ पर। मैं क्या ही कर दूँ, औकात से बाहर है सारे ये। और यहाँ पे तो वो स्टोन भी नहीं मिल रहा, डस्क स्टोन। अब मैं इवॉल्व कैसे करवाऊँगा यार उसको, मेरे को ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। थर तो नहीं है आई गेस, उठ वाले अंकल जी के पास होता है क्यों? हाँ, ये कुछ अलग अलग आइटम्स रखते हैं, मे बी इनके पास हो जाए। हाँ इनके पास है ना, डस्क स्टोन से ही होता है ना वो, डॉन नहीं डस्क से ही होता है। 3,000 रुपये भाई, अगर हम 3,000 नहीं बर्बाद तो नहीं करने भाई, हम बहुत पैसे बर्बाद कर चुके हैं वैसे भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में। चल कोई बात नहीं, अभी के लिए लेट्स यूज दैट स्टोन। कहाँ गया मेरा वो स्टोन? होपफुली यहीं पे होगा। सारा आइटम वगैरह भी दे देते हैं, लेट्स यूज इट। ओह ओके, डरियो इवॉल्व हो रहा है मैन। चलो भैया, ये भी इवॉल्व हो चुका है। डेस्क स्टोन हमारे पास लास्ट था जो हमने यूज़ कर लिया। लेट्स यूज इट। हम लोग लिफ्ट ओवर गिव कर देते हैं। किसको गिव करें? जिसका HP थोड़ा ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा किसका HP है? डरियो का ही है आई थिंक। डरियो को ही देना चाहिए, ज़्यादा कमज़ोर मेरे को वही लग रहा है फिलहाल के लिए देने के लिए। आईसी रॉक से होता क्या कि वो हेल स्टोन वाले मूव्स को बढ़ा देता है। होल्ड स्केल है, स्टर पीस, इवोलाइट, मेक फोइज एंड एलाइज फ्लिंच व्हेन द होल्डर इन्फ्लिक्ट डैमेज। ओके, मतलब फ्लिंच कर सकते हैं इसकी मदद से। एन आइटम टू बी हेल्ड बाय अ पोकेमॉन। ड्रैगन टाइप मूव तो मेरे पास है ही नहीं, तो वो करेंगे या आइस टाइप वाला हम दे सकते हैं। सूटबेल देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको फ्रेंडशिप नहीं बढ़ानी अभी के लिए। रेजर क्लॉ पकड़ रखा है ना, रेजर क्लॉ हटा देते हैं। वैसे रेजर क्लॉ से थोड़ा क्रिटिकल हिट वाला रेशियो बढ़ता है, बट आई गेस आइस वाला देना ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पर। रेजर क्लॉ से वही होता है ना, पता नहीं कहाँ चला गया वो। चलो रेजर फैंग दे देते हैं हम लोग स्क्राफ्टी को आई गेस, क्योंकि थोड़ा वो कर सकता है ना, मतलब फ्लिंच कर सकता है। मैं चाहूँ तो किसी को पुराना मूव भी सिखा सकता हूँ। यह हर्ट स्केल मांगता है, और इसकी मदद से हम किसी को पुराना वाला मूव दोबारा सिखा सकते हैं। लेट मी गेस, यू वांट टू टीच वन ऑफ योर पोकेमॉन्स अ मूव। ओके, सब पे हम कर सकते हैं, लेकिन करे तो करे किस पे? मैं अपना डार्क नाइट पे भी देखता हूँ भाई, अपने ग्रेंचा पे ही देखते हैं कोई बढ़िया सा मूव जो पहले सीख रखा हो तो वो हम सिखा सकते। मैट ब्लॉक क्या है भाई? यूजिंग अ पुल अप मैट, नहीं ये शील्ड क्रिएट करता है ताकि खुद को लाइक प्रोटेक्ट कर सके। वाटर पल्स भी थोड़ा सही रहता, बट नहीं, स्पाइक्स वगैरह सीख सकता है। सैडो स्नीक का 40 डैमेज है, बट एक्यूरेसी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, स्पीड, वो काफ़ी अच्छा रहता है इसका, तो इसको सिखा देते हैं। एक गोस्ट टाइप मूव है ना, ज़्यादा वैरायटी के मूव्स रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सैडो रॉक स्मैश को हटा देते हैं। चलो भैया, बहुत ही अच्छा, हमको अपना हर्ट स्केल देना पड़ रहा है उनको। एक बार मैं इसका समरी देखूँ ना, ग्रेनिंजा का अटैक है 98, ऐसे अटैक ज़्यादा है, फिर भी अटैक भी उतना कम नहीं है, तो अटैक भी रख ही सकते हैं। वही मैं सोच रहा था, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर देना यहाँ पर, बट नहीं, वी आर ऑलरेडी। अभी के लिए हम जाते हैं फिलहाल के लिए अपने उसी वाले बंदे के पास। अगर तुमको नहीं पता तो चलो मैं रास्ता में तुमको दिखा देता हूँ। रीपल वगैरह यूज़ कर लेते इस टाइम, पहले घास के पास जाए भाई, पैसे बचा के चलने हैं हमको। यहाँ पर हम लोग अपना रीपल यूज़ कर लेते हैं।
बैग में मेरे पास दो है ना। चलो बहुत ही अच्छे। बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर अगेन। मैं वैसे तो साथ में ही रिकॉर्ड, ये फिर से लड़ रहा है, व्हाट द हेल। पिछली बार मैंने इसको हरा दिया था, इसके बाद 6 पुक में। अच्छा लेवल अप हो गया इसका पूरा का पूरा टीम। ओह तो रास्ते में ऐसे ऐसे मिलते रहेंगे ना हमको, इससे हमारा भी लेवल अप हो जाएगा, बट थोड़ा अनोइंग रहेगा। चलो मैं इन सबको बैटल करके हरा देता हूँ, फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। हो गया। चलो इसके पास तो कम लेवल के पोकेमॉन्स थे यार, काफ़ी कम लेवल के थे। पता नहीं इनका ऐसा नियम कैसे, लाइक लेवल कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, बट चलो ठीक है, इनको मैंने हरा ही दिया तो चलो गेम को सेव कर ही लेते हैं। बैचेस मेरे को 3 ही मिले, मतलब 8 तक बैचेस मिल सकते हैं क्या, मतलब लेवल 8 तक हम जा सकते हैं ऐसा कुछ। ओके मैं कोशिश करूँगा इधर से, अभी सारे लगभग ट्रेनर्स को मैं स्किप कर दूँ, वो मोहतरमा भी लड़ती है और उतना दूर से भी वो देख लेती है मोहतरमा। बे यार ओके इनसे बचना मुश्किल था वैसे, कोई बात नहीं, इनके पास एक लैरियो नहीं तो है और वो भी 28 ही लेवल का है। अह इंसिनरर, वैसे इंसिनरर नहीं है, इंसिनरर नहीं है, ये हमारा जोर वर्क है। ओ माय गॉश मैं भूल ही जाता, इनके पास हीलिंग आइटम भी है। चलो कोई बात नहीं, एक्सेस स्पीड यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं अंकल जी, बाय लैरियन। चलो अभी मेरे को कुछ नहीं, कोई मूव्स कोई कुछ मेरे को करना ही नहीं है भाई। नहीं ओके बहुत ही अच्छे अंकल जी, बहुत ही अच्छे। ओ रिपल, यप 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 यप, भागने दो भागने दो। चलो पहुंच गए हम बैड लैंड्स पे, होपफुली इनका गैंग हमसे न लड़े। ये अंकल जी यहाँ पे थे क्या, शायद पहले भी थे यहाँ पे। इनसे मैंने ऐसे बैटल किया था, इसे किया था क्या शायद से, रुको मैं सेव ही कर लेता हूँ भाई, दिक्कत ही नहीं लेना अपन को, ऊपर से ही चल जाते यार। कोई बात नहीं, वैसे भी रिपल तो लगा ही रखा है ना। इधर से रास्ता था, किधर से रास्ता, नहीं इधर से ही रास्ता था आई थिंक सो, इधर से ही रास्ता था। हाँ बिल्कुल, रिपल ख़त्म हो गया, 2 ही रिपल्स थे मेरे पास, दोबारा जाने में दिक्कत होगी। वैसे तो मेरे को लगता है दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट इनको हमने हरा रखा था ना। अच्छा यहाँ के ट्रेनर्स को तो मैंने ऑलरेडी साफ करके रखा था। अरे ओ अच्छा, मैं दोबारा यहाँ पे आ गया, व्हाट द हेल। मेरे को इसके चैम्बर में ही आना था ना, आई डोंट नो, इस चैम्बर में आना था कि किसी और चैम्बर में आना था, मे बी हम पिछले वाले चैम्बर में आ गए, हमको आगे वाले चैम्बर में जाना होगा शायद से, आई गेस। ओके आई गेस दूसरे साइड एक बार चल के देखते हैं, अगर हमको यहाँ पे नहीं आना था तो हमको आना तो होगा कहीं पे, मे बी उधर साइड से एक रास्ता था जिधर मैं पिछली बार गया नहीं था। आई मीन इधर भी ट्रेनर है, से गुड बाय मोहतरमा। हाँ बे ना, ओ मेरे पोकेमॉन हील हो गए क्या, नहीं नहीं अभी पता चलेगा, नहीं हील हुए, मेरे को लगा हील हो गए क्योंकि मैं उस प्लेस पे चला गया था ना। वैसे इनके लेवल ज़्यादा है नहीं तो हमको ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इस पर हम लोग कर लेते हैं विंग अटैक, बहुत ही अच्छे बब्बाई। शैंट स्लैश तू भी ले ले भाई, वो ये ले भैया। ओह रैपिड स्पिन, स्पीड बढ़ जाता है रैपिड स्पिन से। लेट्स यूज नाइट स्लैश, चलो हीलिंग करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा, अभी तो तेरे को हारना ही है। एक ट्रेनर ज़्यादा पावरफुल है, दूसरा वाला ट्रेनर पावरफुल है ही नहीं। क्रॉक रॉक, उप्स इंटरमीडिएट, मैं ऐसे अटैक करूँगा तो भाड़ में जाए, विंग अटैक कर ले यहाँ पे भाई, ये ले वो तो ख़त्म। ये सैंड स्लैश को ही हराना मुसीबत हो रहा है एक, छोटा सा बच गया उस, नहीं बहुत बार अटैक मत करना। नोप दिस इज नॉट गुड, नो नो नो, डार्क पल्स ही कर देते भाई, एक ही पोकेमॉन है हीलिंग। अरे यार ये ले ख़त्म, बहुत अच्छे। नकलची, नकलची को मैंने सामने से रखा क्योंकि लेवल उसका कम है, डार्क पल्स इसमें इफेक्टिव नहीं रहेगा वैसे, मे बी वो डार्क टाइप है तो ये भी नहीं रहेगा, फीट अटैक भी नहीं, गोस्ट टाइप रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। ये ले भाई ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज ले ले तू। नोप एश्योरेंस, इफेक्टिव नहीं था फिर भी इतना डैमेज दे दिया वो।
यला चल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है इन सब चीज़ों पे। चलो इनको भी हरा दिया हमने, इधर चल के देखते हैं। ओ ओ हाँ, उधर साइड है तो। अरे यार ये रास्ता ब्लॉक हो गया। ओप्स, ओके कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो होगा ही ये जाने का रास्ता, मे बे मतलब उसको भगाने का। मेरे को फिर से लगता है केव में जाना पड़ेगा शायद से। सैंडाइल नहीं, चेंज नहीं करते अपने नकलची को ही, थोड़ा ज़्यादा अपना लेवल अप होने देते हैं। वैसे भी काफ़ी कमी लेवल के पोकेमॉन है, कितना टाइम ही लगेगा इनको हराने में। जुबैट 19 लेवल का है, मैं तो सोच रहा हूँ लीडर के पोकेमॉन कितने लेवल के होंगे। होपफुली 40 के करीब होंगे, होपफुली क्योंकि ऐसे जिम ट्रेनर्स के तो नहीं आ रहे थे। यहाँ पे जा सकते हैं ना, स्टारी डस्ट। ओके अब जाने से पहले मैं एक बार गेम सेव कर लूँ, क्या पता क्या हो जाए यहाँ पे। ओके लेट्स गो, ट्रांजिशन केव इसका नाम है। ये क्या है ब्रो? हेलो, एक ट्रेनर, तुम लेकिन काफ़ी अलग लग रहे हो। क्या तुम उस ट्रांजिशन केव से आए हो? मैं देख सकता हूँ, अलाउ मी टू एक्सप्लेन। ये एक अल्टरनेट टाइम लाइन है, वन वेयर द रोग राइडर्स नेवर इनहैबिटेटेड द बैड लैंड्स। यहाँ पे द पोकेमॉन्स बिकेम फ्यूरियसली स्ट्रॉन्ग, कंसिडर योर सेल्फ वार्न्ड, टेक केयर। ओके यहाँ पे पोकेमॉन और भी ताकतवर मिलेंगे मेरे को, अब तो मेरे को डर लग रहा है क्योंकि वहाँ भी 46 लेवल के पोकेमॉन्स थे यार, तो यहाँ पे तो और ज़्यादा लेवल के पोकेमॉन्स होंगे मे बी। ओके लेट मी सी कि यहाँ पे कैसे कैसे पोकेमॉन्स मिलते हैं। मिल कर रहे भाई, रिपल तो नहीं लगा रखा मैंने, इधर कोई रास्ता भी नहीं है। उधर साइड से होगा मे बी, उसका पता नहीं चैम्बर किधर है। घूम फिर के तुम वहीं पहुंच गए यार, व्हाट द हेल। अबे यहाँ पे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, ना ही पोकेमॉन्स मिल रहा है ना ही कुछ मिल रहा है मेरे को। क्या मेरे को फिर से अभी अपने उस वाले क्या बोलता हूँ मैं वहाँ पर चैम्बर में जाना चाहिए? मे बी कुछ वहाँ पे दरवाज़ा खुल जाए, इनका हाइड आउट तो यही है, तो मे बी हमको यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। ओके इधर ये लड़की फिर से बोल रही है, चलो इसको हरा ही देते यार बैटल में। मे बी इस, ओ ओके इस साइड वो इस लड़की ने देख लिया पीछे मुड़ के, अब मैं समझा, तो इसके दूसरे साइड वो चैम्बर था। अच्छा ओके होपफुली मेरे को हीलिंग मिल जाए यार, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। वॉल प्ले विंग अटैक सुपर इफेक्टिव तो कुछ भी नहीं है इस पर, वो मेरे को ही करना पड़ेगा। वो नॉर्मल टिप तो नहीं है ना, अगर नॉर्मल टिप निकली तब तो एक प्रॉब्लम होगी, अगर मैं नाइट स्लैश करूँगा नाइट शेड करूँगा। नॉट वेरी इफेक्टिव, अच्छा ओके कोई बात नहीं, उसने आयरन डिफेंस किया ना, ये एक प्रॉब्लम थी बस, ये भी नॉट वेरी इफेक्टिव है। टाइपिंग क्या है उसकी? ओ मेरा लेफ्ट ओवर चला गया। अरे यार जो भी हीलिंग बढ़ रही थी वो भी नहीं बढ़ेगी अभी। ये ले भाई, ये सुपर पोशन कर करके मेरा दिमाग ख़राब कर देते ट्रेनर्स यहाँ पे। लेवल तो इनका बहुत कम है तब मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ ऐसे। ओके आई मीन ये आउट नंबर कर देना हमको, इनकी नंबरिंग काफ़ी ज़्यादा है बट टैलेंट कम है इन सब में। ओके स्क्रैगी लो बाई विंग अटैक, बस हीलिंग मिल जानी चाहिए मेरे को, मेरे को दोबारा उतना दूर नहीं जाना। क्रोको रॉक चेंज नहीं करता, इंटरमीडिएट भैया। ओके तो इंटरमीडिएट कर, मैं नाइट सेड करूँगा। स्वेगर नहीं, ये प्रॉब्लम है जब तुम ज़्यादा लेवल के हो जाते हो तो कभी कभी ये वाली चीज़ प्रॉब्लम कर देती है, कंफ्यूजन वाली चीज़। ओके चलो भाई फाइनली वी कैन गो देयर, एक बार मैं फिर से सेव कर लूँ यार गेम को। चलो चलो बहुत ही अच्छे, और ओके ये यहाँ पे है। हाँ आ जाओ देखते हैं क्या कहता है ये। फाइनली तुमको काफ़ी देर लग गई, मुझे बोलो क्या तुमने मेयर से चैट किया था? ये कुछ मैटर नहीं करता,
उसने प्रोबेबली कोई और रास्ता निकाल लिया होगा। He is nosy like that. मतलब अपने नाक की दर भी घुसाते रहता है मेयर। Anyhow, मैं टायर्ड हो चुका हूँ इन सारे नॉनसेंस की चीज़ों से। ये सिटी ये पूरे नॉनसेंस से भरी हुई है और मैं ये भी सोचता हूँ कि तुम भी थक ही गए होगे अभी तक। हाँ मतलब थोड़ा बोरिंग हो चुका था वो गेम वाला चीज़। इसके बाद इसने बस बोला कि ये सबसे लास्ट बैटल है और अगर हम जीते तो ये टाउन छोड़ के चले जाएंगे, अगर वो जीते तो हमको जाना पड़ेगा टाउन छोड़ के। और बैटल के बीच में मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो साउंड को काट दूँ जहाँ पे साउंड थोड़ा कट गया था, यहाँ पे भी साउंड थोड़ा कट गया था इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अगर तुम जीते तो तुम हमारे हाथ हटा सकते हो उस टाउन से, अच्छा लगता है ना? देन वी हैव नो रीजन टू हेजिटेट। ओके चलो भाई। हाँ फाइनल सूड ओल्ड मैन इनके बॉस से मेरे पोकेमन का नहीं हुआ भाई, खत्म है हम तो। ओके एग्रॉन, मेरे को प्रोबेबली वाटर टीप लाना चाहिए बट डर इस बात का है ना कि हार गया तो प्रॉब्लम है। स्क्राफ्टी तू ही आ जाए यार, एक सील टाइप है तो फाइटिंग टाइप मूव भी सही रहेगा इस पर। ओके आयरन हेड, ओह ओके बहुत ही अच्छा। लेट्स यूज स्प्रे, प्लीज प्लीज प्लीज, बच गया मैं। रिक्वाइल डैमेज पड़ता है उससे, अच्छे ओके दैट वाज सुपर इफेक्टिव। इसकी फेस नो हाई, ओके चलो हाइपर पोशन किया उसने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। गंदी चाल तो अभी भी अपनाएंगे ही अपनाएंगे स्क्राफ्टी, कोई बात नहीं यार। मेरे पास पोकेमॉन से थोड़ी कमी पड़ जाएगी मे बी अगर ऐसा हुआ तो। चलो डार्क नाइट, डार्क नाइट को मेरे को पहले लाना मतलब ला सकता था बट डर था हारने का यार, अगर ये हार जाता तो प्रॉब्लम हो जाती ना। चलो बहुत ही अच्छा, नेक्स्ट पोकेमॉन इसका कौन आएगा यार? दिल की धड़कनें तेज हो रही है। हाई ड्रैगन, ओह ओके एक डार्क एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन आएगा। इस वीवाइल आ जाओ, बहुत ही अच्छे वीवाइल। इसके पास नेवरमेल्ट आइस है, होपफुली पहला मूव मैं करके इसका स्पीड डाउन कर दूंगा, दूसरे मूव में हम बैटल क्लॉ से इसका बैंड बजा सकते हैं। दैट इज सुपर इफेक्टिव, स्पीड डाउन हो गया बहुत ही अच्छे। डार्क पल्स मेरे पे इफेक्टिव नहीं है यार, मेटल क्लॉ नो उससे ज़्यादा। ओके बच गए, आई एम एक्सपोशन योर नो, हे डोंट डू इट मैन, दिस इज नॉट फेयर। फुल रीस्टोर, बहुत ही अच्छे भाई। नहीं 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 नहीं, बहुत सही कर रहे हो यार, बहुत सही कर रहे हो तुम तो, बहुत सही बहुत सही। डार्क पल्स मेरे को लगा एक दो अच्छी बच जाएगी यार बट नहीं बच पाई, तीन ही पोकेमॉन है हमारे पास। किसका ज़्यादा चांसेस है कि उसको एक मूव में फिनिश कर देगा? इंसिनरेटर के पास वो है ना। चलो डार्क नाइट तू ही अच्छा यार, और किसी पर तो इतना भरोसा नहीं है। लेट्स यूज बाउंस स्प्रे, अप फोकस ब्लास्ट, अभी उसको फोकस करने का टाइम मिल गया। वो फोकस ब्लास्ट किया तो मैं ऐसे ही चले जाएंगे। वॉट इज सूरिकेन एंड अबे तीन मूव लगते ही इतना कितना कमाल था डाटे में। वॉट इज सूरिकेन इस गेम में बेकार है भाई, दूसरे गेम से अच्छा हो सकता है मे बी। चलो सेलेमेंस, मैंने अपना आई से ही पोकेमॉन बर्बाद कर दिया, अब कौन हराएगा इसको? ओफ दिस इज सच ए पेन, मेरे सारे पोकेमॉन भी मेरे साथ नहीं है, सारे हेल्थ में नहीं है और ऊपर से मेरा अटैक डाउन भी हो गया है। ये ले भाई, नॉट वेरी इफेक्टिव एरिया, ओ माई गॉश भाई साहेब ये तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। दैट वाजंट वेरी इफेक्टिव बट टैश डुबलीच नो, अरे भाई अब रिस्क है बहुत ज़्यादा रिस्क है यार, तीन पोकेमॉन उसके और नहीं यार, बहुत गंदी चॉइस है, मेरे दोनों पोकेमॉन इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। मेन पोकेमॉन को तो मैंने इसे ही हरा दिया, दिस इज नॉट फेयर, मेरा फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन सबसे लास्ट बचा है। अरे यार मैं क्या ही करूँ यार, गोस्ट टाइप डार्क पे इफेक्टिव नहीं है, डार्क पे डार्क इफेक्टिव नहीं है, फ्लाइंग रॉक पे इफेक्टिव नहीं है। क्या करूँ मैं छोड़ दो, रुको मैं फिर से आता हूँ। मेरे पोकेमॉन हील नहीं थे यार, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे। एक मिनट, ये ख़त्म नहीं हुआ मतलब क्या, मेरे को फिर से आना है यहाँ पे? पता नहीं। दैट इज इट कैट,
देख के लगता है कि जीत हमारे हुए। तुम्हें पता है कंडीशन क्या था? अगर तुम अपने छोर से बाजी को नहीं बदलते तो वेल ये उतना भी संतुष्टि वाला चीज नहीं रहेगा। नाउ गेट आउट ऑफ आवर सिटी। टुडे यू लॉस्ट मोर देन जस्ट योर जॉब। गेम ओवर। गेम रीस्टार्ट हो जाएगा। नो डोंट से दैट। कहाँ पे मैं पहुंचूंगा? अच्छा लास्ट सीव में पहुंचूंगा। अच्छा। नाउ आई गेट इट। भाई मेरे को तुम हील करवा के आने दो, मैं तुमको तुम्हारा बैंड बजाता हूँ। ओके वी आर बैक। और इसके बाद मैं एक बार फिर से हार चुका था। अभी बैटल करने के बाद मेरे को पता चला दिस इज डिफिकल्ट मैन। लेकिन अगर मैं उसको फिर से दिखाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, तो मैं थोड़ा फिर से स्ट्रेटेजाइज कर लेता हूँ खुद को। पहले तो मैं रियर कैंडी यूज़ कर लो यार, जितने भी आइटम्स है पहले वही यूज़ कर लेते हैं। किस पे यूज़ किया जाए? वीवाइल पर प्रॉब्ली, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि उसके पास दो दो ड्रैगन है ना, तो वीवाइल के पास जितना वो रहेगा वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ओके कितना बकवास करता है हर बार ये। ओके हाँ दिमाग लगा रोहन, इस बार थोड़ा सही से खेलना पड़ेगा मेरे को। इनसेन एरर। पहले तो मैं क्या करूँ मैं क्यों लाया था मैं इसको इसके लिए पहले। ओके हेड स्मैश। पागल पोकेमॉन कहीं का कुछ भी मूव कर देता है। अरे भाई ओके कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा इसको। दिस बैटल इज डिफिकल्ट। जितना तुमको आसान लग रहा है ना, ये कछुई पे जाके क्यों बचा है? अब देखो पूरा फुल रिस्टोर करेगा यूज ये पक्का। ये तो कंफर्म था। माय गॉश आई शील क्रश ड्रैगन क्लो। बहुत ही अच्छे मेरे दो पोकन पेंट हो गए स्टार्टिंग में ही। बहुत ही अच्छे स्टार्ट मेरे को फिर से मिला है बॉयज। आई एम गोना यूज ब्लास्ट बर्ड फुल रीस्टोर। नहीं अंकल जी नहीं, कर लो अपनी मनमानी कर लो, आपका ही जिंदगी है। मिस हो गया। नहीं आप है हेड स्मैश, खुद भी खत्म होगा। लेकिन मेरे तीन पोकेमॉन को लेके डुबाई है। काफी गंदा स्टार्ट था यार। नेक्स्ट पता नहीं कौन सा आएगा। लेट्स जस्ट गो विथ वीवाइल। ओके मेरे को रिवाइल यूज करना ही पड़ेगा। तीनों मेन पोकेमॉन थे मेरे। हर ड्रैगन चेंज करने की जरूरत नहीं है हर ड्रैगन के सामने। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्टार्टिंग तो गंदी मिली है हमको। मीडियोर मैश। नो अटैक बढ़िया उसका, स्पीड तो घट गया है बट मैं नहीं बच सका। ओह कौन हराएगा इसको? डरियो आ जाओ मम्मे। विंग अटैक। कोई ऐसा पोकेमॉन है जिसके सामने मैं ना सबको रिवाइव करवा सकूं बस, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी, क्योंकि मैं एक बार हार चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने उसमें पूरा दिमाग लगा दिया था अपना। टायर नहीं तार नेक्स्ट है, स्क्राफ्टी को लेके आते हैं। ओके स्क्राफ्टी कुछ कर पाएगा? अच्छा ब्रिक ब्रेक तो हमारे पास है ही है। सैंड स्ट्रीम ब्रिक ब्रेक क्रंच। कोई बात नहीं एक बार में मत जाना। बहुत ही अच्छा। थ्रैश वगैरह तो नहीं करेगा ना वो, मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। लेट्स यूज रिवाइव। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन पोकेमॉन कौन है हमारा? वीवाइल। ओके आइस फैंग आता है इसको। ओह माय गॉश बच के भाई, तो बस हार मत जाना। हारने से एक मूव पहले मेरे को उसको हरा देना है। डार्क नाइट को कर लेगा। डार्क नाइट वाटर वाला है ना आई गेस, कर लेना चाहिए। चलो स्टोनीच। ओके दैट वाज अ क्रिटिकल हिट। कोई बात नहीं बहुत अच्छा काम किया तुमने। अभी के लिए आज अपना डार्क नाइट। नहीं चेंज नहीं करना मेरे को। लेट्स गो विथ वाटर शुरिकेन। ओके दैट इज अ क्रिटिकल हिट। फर्स्ट बार में चला गया वो। एक पोकेमॉन से दो पोकेमॉन बना लिए ना हमने, वो ज़्यादा अच्छा था वहाँ पे। और सेलेमेंस ड्रैगन टी पोकेमॉन है वो ना वीवाइल। मेरे को फिर दिक्कत हो गई यार। पिछले बार सेलेमेंस तो तुरंत में हरा दिया था, मतलब सेलेमेंस ने हमको तुरंत में हरा दिया था।
आईसी विड। ओ एक बार में चला गया, उम्मीद तो नहीं थी मेरे को, पता नहीं कैसे हो गया ये चमत्कार, पिछले बार तो ये नहीं हुआ था। गचौम नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आईसी विंड फिर से अपना काम कर दे। ओ ओके क्रंच, एक बार में नहीं, बच गया मैं। हाँ और कौन है भाई? मेटाग्रॉस ने पिछले कुछ मैचेस में मेरा दिमाग ख़राब किया है, चेंज तो नहीं करने की ज़रूरत है मेरे को। मेटाग्रॉस डार्क पल्स बहुत ही अच्छे, फ्लिंच हो गया बहुत ही अच्छे। मीटियोर मैश, ओके डार्क नाइट आजा भाई। डार्क नाइट के पास कोई डार्क टिप मूव नहीं है ना, शैडो स्नीक पहले मूव करेगा, बहुत ही अच्छे। तुमको पता है कितना खतरनाक है ये, एक मीटियोर मैश में मेरे सारे पोकेमॉन को निकाल रहा था। भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये काफ़ी डिफिकल्ट बैटल था, मैं पिछले बार से मतलब रिवाइव यूज़ करते नहीं आता ना, तो मैं जीत नहीं पाता। इधर वेज मेरे को नहीं तो लेवल अप करना था, नहीं तो रिवाइव यूज़ करना था। फाइनली हम जीत गए भाई, मैं अनवाइंग हो गया था थोड़ा सा क्योंकि ये थोड़ा टफ था यहाँ पे, बट फाइनली हम जीत चुके हैं। वेल दैट इज़ इट, जीत तुम्हारी है। मैं अपने शब्दों का पक्का हूँ। क्या तुमको कोई अवार्ड या फिर कुछ वैसा चाहिए? बहुत बुरी बात है, निकल जाओ यहाँ से। हम रैंक 4 तक पहुँच गए, दैट वॉज अ रफ फाइट, बेटर रेस्टिप। हो गया, लेट्स रेस्टिप अ बिट, पहले हम गेम सेव कर ले भाई। हाँ फिर से मेरे को बैटल वगैरह नहीं करना अभी के लिए, हम लोग लेट्स एडवांस टू द नेक्स्ट डे। होपफुली हमारा सारा काम हो चुका है यहाँ पे, हमने काफ़ी कुछ कर दिया, और तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को लगा कुछ एंड स्क्रीन वगैरह आएगा क्या, मेरे को फिर पूरा 8 का 8 लेवल तक पहुंचना पड़ेगा यहाँ पे, यही चीज़ है। होपफुली हमने गेम का पूरा कंप्लीट कर दिया है, आई डोंट नो, बट तुम नीचे कमेंट करके बता देना कि गेम एंड हुआ कि कभी बाकी है, क्योंकि वो एंड स्क्रीन नहीं आया कुछ वैसा वाला, तो पता नहीं इसके बाद हमको करना क्या पड़ेगा, क्या जिम बैटल्स करने पड़ेंगे या फिर कुछ और। बट या साल ख़त्म होने से पहले ही हमने एक अच्छे टाइम पे इसको एंड कर दिया है। होपफुली वीडियो तुमको बाद में मिलेगी, बट या दिस इज़ इट फॉर दिस एपिसोड। अगर सीरीज़ देख के मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड यहाँ तक देखने के लिए अरिगातो।